जय श्री राम बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में आए जानते हैं मकर राशि मार्च माह का राशि फल मकर राशि के स्वामी वैसे शनि होते हैं सभी लोग जानते हैं अब जानते इस माह विशेष परिवर्तन आपके जीवन में क्या हो रहा है आए जाने विस्तार से सबसे पहले जानते इस माह विशेष फेस्टिवल त्यौहार क्या है सात मार्च को होलिका दहन है इक्कीस मार्च को अमावस्या है और 22 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होगा माँ की आराधना करें नया वर्ष भी हमारा प्रारंभ होगा और 30 तारीख को रामनवमी है इस दिन हवन पूजन कन्या को भोजन कराएं उनसे उनका आशीर्वाद लें कन्या पूजन करें दूसरा मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं शनि तो सब लोग जानते हैं कि न्याय के देवता होते हैं जज हैं गॉड है, है मजिस्ट्रेट हैं लेकिन शनि की जो उपाधि दी जाती है वो न्याय के लिए दी जाती है और ऐसे शनि की जो गति होती है वो ढाई साल एक राशि में रहते हैं शन शन धीमे धीमे चलते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मकर राशि में भी चले शनि की साढ़े साथ ही जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं कन्फ्यूज हैं ऐसा नहीं है शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी शनि की चार साढ़े साथ ही तो आप जो लक्ष्य आप तय करते हैं समय का वो पूरा आपका नहीं होता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं तो शनि का जो स्वभाव होता है वो धीमे धीमे होता है आप जल्दी करेंगे वो काम आपका संपन्न नहीं हो पाता है मैं हेल्थ की बात करता हूँ इस माह आपके मकर राशि वालों की तो हेल्थ आपका अच्छा रहेगा भाई थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगी घुटनों में जिसकी वजह से आप दर्द होगा या फिर कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है क्योंकि आप शनि की आराधना करें हनुमान जी की पूजा करें उससे आपका शनि के साढ़े सादी का प्रभाव वैसे भी कम हो जाता है अब मैं कुटुंब की बात करता हूं तो कुटुंब दोस्तों का सपोर्ट आपको इस माय बहुत अच्छा मिलने वाला है और शनि वैसे भी कुंभ राशि में विराजमान अभी आए हैं तो उसमें आपको एक अच्छा लाभ धन का योग बनेगा मकर राशि के साथ मकर लग्न वालों के लिए मकर राशि वालों के लिए दूसरा मेहनत की बात करते हैं इसमें परिश्रम बहुत कर रहे हैं आप पिछले चार सालों से लेकिन कहें गुरु जी आप अच्छा अच्छा बोलते हैं तो परिश्रम के साथ साथ आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है लेकिन उस लाभ लेने के लिए आपको एकदम सकारात्मक रहना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी तभी शनिदेव आपको पूरा फल देंगे शनि एक ईमानदारी के एक मसीहा है या देवता हैं कह सकते हैं ग्रह हैं उनकी उपाधियों की कृपा से सारी चीज़ें संपन्न होती हैं निर्माण और समाज में बड़े बड़े काम करने के जो कारक होते हैं वो शनिदेव ही होते हैं अब मैं विद्यार्थियों की बात करता हूँ तो जैसे जो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी लगता है हमको वाला आती है गुरु जी ये हम एक नंबर से कम रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कल्पना करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मकर राशि के शनि के साढ़े सात की वजह से हो रहा है लेकिन शनि दो को आप पॉजिटिव करके सोचें और उनकी आराधना करें आपको उसमें लाभ मिलेगा आपको हंसते हंसते बहुत तेज गुस्सा आ जाती है जिससे आपके काम भी खराब होते हैं जिससे आप नेगेटिव हो जाते हैं अगला व्यक्ति है, आपको छोड़कर चला जाता है तो आप गुस्सा नहीं करना है आपको एकदम ठंडा कूल रहना है जिसकी वजह से आपके रिश्ते और बनेंगे बिगड़ेंगे नहीं दूसरा राहु शुक्र की होती है तो ऐसे में यदि कोई भूमि भवन का आपने काम करना चाहते हैं कोई लेना चाहते हैं उसमें कोई बाहर लाना चाहते हैं गाड़ी या मकान तो उसको अभी इस मार्च के महीने में ना लें क्योंकि आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है और जो जो आपके धीमे काम होते हैं वो जाहिर सी बातें पूर्ण होंगे उसमें कोई प्रकार का ये खंडन नहीं होगा फिर भी आप अपने आप को चाहते हैं कि आप अच्छा कर्म करने के बाद आपको सम्मान नहीं मिलता है आपका प्रमोशन नहीं होता है आपकी सारी चीज़ें रुक जाती हैं इसकी वजह थोड़ा थोड़ा शनि का प्रभाव बना हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसे हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और भगवान शनि देव की आराधना करें दूसरा यदि आप व्यापार वर्ग में हैं तो आप किसी के साथ पार्टनर ना करें आप अकेले ही काम करें उस पर आपको सफलता मिलेगी मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि के लिए आपको जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा जो बदलाव है कि आपको एक नीलम रतन पहनना चाहिए जिससे आपकी नौकरी प्रमोशन होगा और आपका व्यापार चलेगा अब होता क्या है कि आप बड़े निर्णय ले लेते हैं आपकी पहुंच बहुत जगह होती है लेकिन उसका रिस्पांस आपको नहीं मिलता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत रहती है तो बताना चाहता हूं मैं कि मकर राशि वाले जातक जितने भी हैं ऐसे आप सोचते हो कि हमारे काम जल्दी हो उसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है तो बाबा की जो कृपा है वो पॉजिटिव रहेगी अच्छी रहेगी बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होते हैं उनसे आपको आशीर्वाद लेना है उनका सपोर्ट करना है उनका दिल नहीं दुखाना है किसी भी तरह का गलत काम आपको बिल्कुल नहीं करना है यदि तो आपको शनि शारदा से बचना है और पॉजिटिव करना है आध्यात्मिक रहना है और आपको झूठ नहीं बोलना है तो आपकी सारी सफलता से मिलेगी आपके अलगाव के कारण क्या होता है कि कुछ चीजें विस्फोट हो जाती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत रहती है तो बताना चाहता हूं कि कुंडली का कोई व्यापार करते हैं शादी के लिए आप सर्च करते हैं तो मेरे कुंडली का मंथन करें मिलान करें उसके बाद ही आगे बढ़ें तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी अपना ध्यान रखें जय माता दी आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान व्हाट्सएप नंबर है 9650925716 हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान फिफ्टीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम नाइन डबल वन सेवन वन थ्री टू फोर संपर्क सूत्र जीरो फोर वन जीरो एट सेवन टू सेवन नाइन सिक्स फाइव जीरो नाइन टू फाइव सेवन वन सिक्स हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस्ट्रोवैदिक डॉट कॉम